इश्क इरफा की दौलत रशीदी में है। याद रखिएगा, नेक बनने के लिए या तो आप नेक काम कीजिए या फिर नेकों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अल्लाह नेक बना दे। देखिए बुजुर्गान दीन की सोहबत बहुत कारामद है, बहुत कारामद है, बहुत ही बेहतर है। लेकिन मेरे दोस्त, आप नेक कैसे बनिएगा, नेक किस तरीके से बनिएगा? याद रखिएगा, नेक बनना है तो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाना होगा। ये पेशानी को रब की बारगाह में झुकाना होगा मेरे दोस्त। याद रखिएगा, हम और आप आज नमाज से भागते हैं, पेशानी को क्यों नहीं झुकाते? इसलिए कि हम लोग ये जमीन की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं। ये जमीन की आवाज को जिस दिन आप सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह तबारक व ताला उसी दिन आपकी पेशानी रब की बारगाह में झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। आप मिट्टी की आवाज को, इस धरती की आवाज को सुना आप लोगों ने कभी? बोलिए सुना है, नहीं सुना है? आज उठिएगा, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, खुदा की कसम सुन लीजिएगा। लेकिन इस कान से नहीं सुन सकिएगा, दिल के कान को खोलिए और जमीन की आवाज को सुनिए। ये धरती कहती है, जमीन कहती है, तुम मेरे सीने पर चलते हो, चलो। तुम मेरे सीने पर पेशाब करते हो, करो। पाखाना करते हो, खूब करो। तुम मेरे सीने पर रात के सन्नाटे में दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत लूटता है, लूट, जितना लूटना है लूट। तू मेरे सीने पर चढ़कर तू शराब पीता है, दारू पीता है, पी जितना पीना है पी। तू मेरे सीने पर चढ़कर जुआ खेलता है, ताश खेलता है, लूडो खेलता है, खेल जितना खेलना है खेल। लेकिन याद रख, जब तेरी सांस रुक जाएगी, तेरा दम घुट जाएगा और तू मर जाएगा, मेरे अंदर में आएगा। ये जमीन कहती है, खुदा की कसम, उस वक्त मैं तेरी हड्डी और पसली को एक कर दूंगी, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज जितना पेशाब करना मेरे सीने पर कर ले, आज मेरे सीने को चीर के तू अपने बिल्डिंगों की तामीर करता है कर ले, आज मेरे सीने पर हल चलाकर तू अपने फसलों को लहलाता है लहला ले। लेकिन लेकिन अगर तू अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका देगा और उसके बाद तेरी मौत हो जाएगी और उसके बाद तू मेरे अंदर में आएगा, तो ये जमीन कहती है, खुदा की कसम, उस वक्त में मैं तुझसे ऐसे प्यार करूंगी जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है। अगर आप चाहते हो आपकी गोरी चमड़ियों को जमीन खाने न पाए, अगर तुम चाहते हो तेरी हड्डियों को जमीन चबाने न पाए और तेरे जिस्म में कीड़े न पड़ने पाए, तो झुका दो अपनी पेशानी रब की बारगाह में, झुका दो। और जिस दिन झुका दोगे, अल्लाह उसी दिन तुम्हें नेक बना देगा। बेशक नेक बनो, नेक काम करो या फिर नेकों की सोहबत इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको नेक बना देगा। और मेरे दोस्त, ये बुजुर्गान दीन जो होते हैं ना, ये बुजुर्गान दीन अल्लाह, इनका मर्तबा क्या होता है? हजरत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला ले, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े, कितने बड़े आलिम जानते हैं आप? इतने बड़े आलिम, इतने बड़े पीर कि हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला ले के पीर व मुर्शिद, इतने बड़े आलिम और इतने बड़े पीर कामिल। और ये इनके मोहल्ले में एक कफन चोर रहता था, कफन चोर। वो कफन के चोरी का क्या करता था, आपको पता चला, आपने उस शख्स को बुलवाया, वो शख्स जब आ गया कफन चोर, तो आपने क्या किया कि उनके आप अंदर लेकर गए और अंदर ले जाने के बाद अपने जेब में हाथ डाला, पैसा निकाले, उसके हाथ में रख दिया। उस शख्स ने कहा, कफन चोर ने, कि हुजूर ये पैसे कैसे हैं? कहा कि देखो, तुम वादा करो कि मेरा कफन नहीं चुराओगे, मैं एडवांस पैसा दे रहा हूँ, वादा करो, चले जाओ। उन्होंने कहा, हुजूर ये किसी ने गलत बात कह दी है, मैं ये सब काम नहीं करता। आपने कहा, पैसा ले और जा यहां से, वादा कर ले कि मेरा कफन नहीं चुराएगा। कहा, हुजूर आपका कफन नहीं चुराऊंगा। कहा, ठीक है। अब वो शख्स चला गया। इत्तेफाक से उसी हफ्ते में हजरत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया। पूरी दिल्ली में शोर हो गया, हंगामा हो गया। उनके मुरीदीन ने जो कफन खरीदा ना, बहुत कीमती कफन, बहुत कीमती खतर कफन, तो वो चोर भी आया देखने के लिए, हजरत का जियारत करने के लिए। और जब कफन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि हजरत ने जो पैसा दिया था वो तो बड़ा कम दिया था, और ये कफन तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, हम छोड़ नहीं सकते। हजरत से जिंदगी में वादा किया कोई, अब तो इंतकाल कर गए हैं, और चुराऊंगा, जरूर चुराऊंगा। हजरत से वादा किया था, कौन जानता है कि क्या क्या वादा किया था, नहीं किया था। उसने अपने मन में
तरकीब बनाई और उसी के मुताबिक वो हजरत के कफनाने में भी दफनाने में भी शरीक रहा, नमाज जनाजे में शरीक रहा, कंधा देने में शरीक रहा, और जब दफना करके लोग वापस आने लगे तो वह भी वापस हुआ, लेकिन निशान लगा कर वापस हुआ ताकि रात में फिर मुझको आना है। जब लोग सब सो गए तो रात के सन्नाटे में वो कुदाल लिया, फावड़ा लिया और पहुंच गया कब्रिस्तान। पहुंचने के बाद हजरत बाकी बिल्ला के कब्र से मिट्टी को हटाया, तख्ते को हटाया, बांस को हटाया और हाथ डाला ताकि कफन चुरा ले। जैसे ही हाथ डाला कि हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला ने उसके हाथ को पकड़ दिया, पकड़ा तो अब वो हैरान है, वो हैरान, वो सोचने लगा अरे जिनको हमने मुर्दा समझा था वो तो जिंदा निकला, वो तो जिंदा निकला, और हकीकत में उन्होंने मुर्दे का कफन आज तक चुराया था, किसी जिंदे से तो पहली मर्तबा उसको पाला पड़ा है। उन्होंने सोचा कि ये हमारी तरह है, उनको पता नहीं ये बुजुर्गान दीन जैसे जमीन के ऊपर रहते हैं ऐसे ही जमीन के नीचे भी, बेशक बेशक ऐसे ही जमीन के नीचे भी रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपके पल्ले बात नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक मिसाल दे दूं ताकि आप जल्दी समझ लें। और ये देखिए, आपने ईंट का भट्टा देखा है? ईंट का भट्टा बोलिए ना, देखा है कि नहीं देखा? देखा होगा, उसमें कोई एक नंबर ईंट है, कोई दो नंबर ईंट है, कोई तीन नंबर ईंट है, कोई गोरिया ईंट है, यानी कच्ची पक्की ईंट, गोरिया ईंट, समझते हैं आप लोग? समझते हैं ना? तो आप गोरिया ईंट ले आइए, जमीन को खोदिए और गोरिया ईंट को डाल दीजिए, और एक नंबर ईंट भी लाइए और उसको जमीन को खोदकर उसको भी डाल दीजिए। एक साल के बाद गोरिया ईंट ढूंढिएगा ना तो वो नहीं मिलेगी, वो मिट्टी में मिलके खत्म। और एक नंबर ईंट अब आप उसको खोद कर देखिएगा एक साल के बाद तो वो ईंट वैसे की वैसे रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलिए? एक नंबर ईंट वैसे रहेगी ना। अब एक नंबर ईंट से पूछिए, जिस खेत की मिट्टी तुम उसी खेत की मिट्टी गोरिया ईंट भी, जिस फरमा में उसको बनाया उसी फरमा में तुझको भी, जिस कारीगर ने उसको बनाया उसी कारीगर ने तुझको भी, और जिस भट्टे में उसे लगाया उसी भट्टे में तुझे सजाया, आखिर वो एक साल के बाद खत्म और तुम वैसे ही के वैसे हो, तो एक नंबर ईंट कहेगी बिल्कुल सच है, जिस खेत की मिट्टी मैं हूं उसी खेत की मिट्टी वो गोरिया ईंट भी, जिस फरमा में मुझे बनाया उसी फरमे में उसे भी, जिस कारीगर ने मुझे बनाया उसी कारीगर ने उसे भी, जिस भट्टे में मुझे लगाया उसी भट्टे में उसे भी। लेकिन मुझ में उसमें फर्क यह है कि गोरिया ईंट को आग के करीब नहीं लगाया, आग से दूर, आग की तपिश से दूर, आग की जलन से दूर, और मुझे बिल्कुल आग के करीब, आग की गर्मी ने, आग की तपिश ने, आग की जलन ने मुझे इतना जला जला कर मुझे लाल कर दिया, इतना पुख्ता कर दिया कि अब एक साल की बात नहीं है, 50 साल के बाद भी खोद कर मुझे देखोगे तो मैं वैसे ही की वैसे मिलूंगी। अगर इस मिसाल को आपने समझा है तो मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए, हम लोग गोरिया ईंट की तरह हैं और बुजुर्गान दीन एक नंबर ईंट की तरह, हम लोग गोरिया ईंट की तरह जमीन के अंदर जाएंगे, सर गल के खत्म, लेकिन ये बुजुर्गान दीन खुदा की कसम एक नंबर ईंट की तरह जैसे जमीन के ऊपर रहते हैं जमीन के अंदर जाने के बाद बुजुर्गान दीन को अपनी तरह मत समझिए। वो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला ने कफन चोर के हाथ को पकड़ लिया, अब वो डरा, थर थर कांप रहा है, सोच रहा है कि अगर मुझको भी खींच के मिला लिया नीचे तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आपने इरशाद फरमाया, ए तूने पैसा ले लिया था ना, एडवांस पैसा ले लिया था ना? हाँ। वादा किया था ना कि मैं कफन नहीं चुराऊंगा? हाँ हुजूर, वादा कर लिया। फिर क्यों आ गया कफन चुराने? कहा हुजूर मेरी नीयत खराब हो गई, गलती हो गई, अब हुजूर अब ऐसा नहीं करूंगा। तो आपने इरशाद फरमाया, ए तूने तो एडवांस ले लिया था फिर आ गया। कहा हुजूर नीयत बदल गई थी, हुजूर अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपने साथ फरमाया, अरे जन्नती होकर एक जन्नती का कफन चुरा रहा है,
حضرت باقی باللہ نے جب یہ فرمایا تو وہ کفن چور رونے لگا. عرض کرتا حضور آپ جنتی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ آپ تہجد گزار, آپ پنج وقتہ نمازی, آپ غریبوں کی مدد کرنے والے, یتیموں کا سہارا, آپ تو ماوا و ملجا, لیکن حضور میں جنتی کیسے ہو گیا, میں تو زندگی بھر کفن چورا چورا کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا رہا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا سنو, جو شخص بھی میرے جنازے پڑھنے میں شریک رہا, کندھا دیا اور دفنانے میں شریک رہا, اللہ نے میری وجہ سے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما کر جنتی بنا دیا ہے. سبحان اللہ, تو نے بھی میرے جنازے میں شریک ہوا تھا, دفنانے میں شریک ہوا تھا, اس لیے اللہ نے میرے صدقے میں تمہیں بھی جنتی بنا دیا. نیک بنیے یا نیکوں کی صحبت اختیار کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنا دے گا, اللہ آپ کو نیک بنا دے گا. اور میرے دوست یقین جانئے, نیکوں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو اچھا بنا دیتا ہے, نیک بنا دیتا ہے.